अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसका जो पहला पार्ट है आपको जो है मिल गया होगा, पीपीएससी लेक्चरर इंग्लिश ग्रेड 17 का। उसमें जो 50 क्वेश्चंस बताए थे, इसमें जो है नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है। आप कॉपी पेंसिल लीजिए और उसको मैच कर लीजिए। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, डैट्स वाई ये सेकेंड पार्ट बनाना पड़ा है। आपका वेलकम आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। आइए जो है बाकी के जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको मैच कर लेते हैं। 51 जो है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर, वो आंसर ऑप्शन ए है, हार्ड होती हैं, रफ होती हैं, पोरस होती हैं। राइट चॉइस यहाँ पे पोरस है। उसका रीजन ये है कि पोरस इस वजह से होती हैं क्योंकि उनमें स्पेस होता है, तो स्पेस की वजह से उनको पोरस कहा जाता है। 52 इंडिकेट कोल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है। आंसर ए मरी, बी सवात, सी ज़ियारत। तो राइट आंसर यहाँ पे ज़ियारत है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे 70 डिग्री जो है टेम्परेचर होता है, और जो सकर्दू है वहाँ पे 14 होता है, यानी कि इससे भी कम होता है। बट ऑप्शंस में यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 53 बर्मा समाज डिवेलप्ड एंड मॉडिफाइड बाय कौन से जो थे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने बर्मा समाज डेवलप किया था। ए जो है वो गांधी, बी नेहरू, सी चंद्रसन, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर जी राजा राम मोहन, राजा राम मोहन एंड दबिंद्रा नाथ टैगोर, उन्होंने जी बर्मा समाज जो है वो डेवलप किया था। 54 पेमलन बीच इज अ बीच ऑफ जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूके। राइट आंसर इन फ्रंट ऑफ यू इज फ्रांस। 55 द स्टडी ऑफ विच वर्ड्स अकर टुगेदर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोअक्रेंस। आंसर ए कॉपरेशन, बी कलेक्शन, सी लोकेशन, डी इम्प्लिकेशन। बी आंसर इज करेक्ट, कलेक्शन। 56 व्हेन द बेबी ऑफ 3 मंथ्स कैन प्रोड्यूस वर्बल साउंड्स एंड वोवल्स स्टेज इज नोन एज कॉइंग, बैबलिंग, टेलीग्राफिक। जी ये आंसर ए करेक्ट है यहाँ पे, कोइंग। हाउ मेनी प्लेस शेक्सपियर राइट, 36, 38, 37, 39। तो 37 ये भी आंसर हमारे चैनल पे मौजूद है, अगर आपने वीडियोस ध्यान से देखी होंगी तो। गाइस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस जो है आप तवज्जो से देखिए, देखा कीजिए कि बहुत से क्वेश्चन जो है इन वीडियोज में से पीपीएससी में पूछे गए हैं इस बार 8 नवम्बर 2020 को। 58 हु वॉज अ मेन कंट्रीब्यूटर टू द लिंग्विस्टिक पीरियड, कौन से जी मेन कंट्रीब्यूटर थे। पियाजे थे, चॉम्स्की थे एंड पाउल थे। तो राइट आंसर है नोम चॉम्स्की, इनका फुल नेम नोम चॉम्स्की है। 59 क्लोज शेव मीन्स, क्लोज शेव का मतलब क्या है। आंसर ए हेयर ब्रीथ, नैरो स्केप टू अप्लाई इकोनॉमी। राइट चॉइस जो है नैरो स्केप है। 60 लॉर्ड बायरन बिलोंग्स टू विच एज, रोमांटिक, विक्टोरियन, एडवर्डियन। तो राइट आंसर यहाँ पे जी है लॉर्ड बायरन जो है वो रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। 61 जो है मार्लो सिंपली प्रिपेयर द वे फॉर द मैटर हु वाज फॉलो हु वाज द मास्टर टू हिज रिमार्क्स, शेक्सपियर, थॉमस मॉडर्न, जॉन वेबस्टर। आंसर जो यहाँ पे फर्स्ट है शेक्सपियर वो करेक्ट है। 62 द वर्ड्स वेरी क्लोजली रिलेटेड विद मीनिंग्स, एमोनिम्स, सिनोनिम्स, हाइपोनिम्स। तो ये तो जी हम बीए से पढ़ रहे हैं जी, सिनोनिम्स क्लोज रिलेटेड मीनिंग्स हैं। आंसर यहाँ पे बी करेक्ट है। 63 ऑरोबिंदो घोष नॉवल इज द एपिक ऑफ द सोल, माइंड, हेवन, यूनिवर्स। यहाँ पे जी कोई करेक्ट हम नहीं, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक 100% जो है आंसर के जो ऑप्शंस हैं वो नहीं है। उसका रीजन ये है कि जी ऑरोबिंदो जो घोष है वो हमेशा जो है स्पिरिचुअल, उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते थे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की बात उसमें की जाती थी, होली समथिंग, तो वी कैन से इट्स रिलेटेड विद सोल। 64 इन विच नॉवल ऑफ हिज लॉरेंस डील विद द साइकोलॉजिकल फिनोमिनन नोन एज ओडिपस कॉम्प्लेक्स। आंसर ए द बॉय इन द बुश, बी सन एंड लवर्स, एंड सी लेडी चेस्टिटी लवर। यहाँ पे जी सन एंड लवर जो है करेक्ट आंसर है। 65 व्हाट इज मैन बाय एटमोलॉजी। आंसर ए स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड, बी मेटाफिजिक्स। यहाँ पे जी स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड। 66 सरोजनी नायडू इज चीफली अ डैश पोइट।
आंसर ए एपिक, आंसर बी नैरेटिव, आंसर सी सर्वे विकल्प। तो यहाँ पे जी नैरेटिव है आंसर। 67, शुगलगे उड़ाना, ये जी उर्दू का वर्ड था। शुगलगे उड़ाना का मफहूम क्या है? आंसर ए ऑप्शन है अनोखी बात करना, बी खुलकर हंसना, सी बुरी आदत तरह कर देना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है अनोखी बात करना। 68, सरोजनी ने दो पोएम, द क्वींस राइवल इज बेस्ड ऑन अ लेजेंड, ग्रीक इंडियन और पर्शियन लेजेंड। तो यहाँ पे जी पर्शियन लेजेंड जो है वो करेक्ट आंसर है। काफूर हो जाना का मतलब क्या है? ये उर्दू का लफ्ज है, काफ फे वाव रे, काफूर। काफूर हो जाना का मतलब जी है ऑप्शन ए गायब हो जाना, ऑप्शन बी रोना धोना, सी बिना मतलब के बात कर देना। तो आंसर ए जो है इसका गायब हो जाना, गुम हो जाना, तो ये इसका राइट आंसर है। 71, होली सोनेट वॉज रिटन बाय, आंसर ए जॉन मिल्टन, आंसर बी स्पेंसर, आंसर सी जॉनसन। राइट आंसर जी है जॉन डन यहाँ पे। 72, द वर्ड नॉवल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोवेला, नोवल एंड नोवल्स। राइट चॉइस इज नोवेला, नोवेला जो है जी ये लैटिन वर्ड है। 73, व्हाट इज रियल नेम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल, आंसर ए टी एस एलियट, आंसर बी एरिक ब्लेयर, आंसर सी एडवर्ड। राइट चॉइस इज एरिक आर्थर ब्लेयर। 74, आवर टीचर टीचेस मैथ डैश इंग्लिश, आंसर ए बिजाइड, बिजाइड इन द लॉन्ग विद द आंसर, करेक्ट आंसर इज हियर बिजाइड्स, एस साथ लगा हुआ है बिजाइड्स। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ ग्रोटेस्की, आंसर ए आवरफुल, स्पेसिफिक एंड ग्रेसफुल। राइट चॉइस इज ग्रेसफुल, ग्रेसफुल इज बिकॉज के ग्रेसफुल का मतलब होता है ब्यूटीफुल एंड फेमिलियर, दैट इज वाई द ग्रेसफुल ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। 76, रोमांटिक पोएट्स इन्फ्लुएंस बाय विच राइटर, कौन सा जो रोमांटिक जो है राइटर था जिसकी वजह से जो है रोमांटिक पोएट्स जो इन्फ्लुएंस हुए, कीट से हुए थे, स्पेंसर से हुए थे या जॉर्ज से हुए थे? तो यहाँ पे जॉन कीट जो है वो करेक्ट आंसर है। 77, द गोल्डन ब्रीड इज अ कंप्लीशन बाय ए अ बुक अबाउट फाइव पोएट्स, डिफरेंट पोएट्स स्पेसिफिक। राइट आंसर जो है इसकी वजूहत भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जी बुक अबाउट फाइव पोएट जो है वो करेक्ट है। इसको विजडम ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, बुक अबाउट फाइव जो पोएट्स है इसको विजडम ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये न्यू इंडिया से रिलेटेड है। प्रिंटिंग मेथड इन 1400, कौन सा जी प्रिंटिंग मेथड जो है वो 1400 में यूज किया जाता था? कैलीग्राफी थी, मूवेबल टाइपिंग थी या टेबल राइटिंग थी? यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि जिसका राइट आंसर है मूवेबल टाइपिंग। उसकी वजूहत ये हैं जी, गटनबर्ग ने ये इन्वेंशन की थी 1400 में मूवेबल टाइपिंग की। यहाँ पे राइट आंसर मूवेबल टाइपिंग है। 79, व्हाट टर्म फाउंड इन द वर्क्स ऑफ कीट्स एंड टेनिसन, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड मिल्टोनिक। राइट आंसर इज हियर इज मिल्टोनिक। उसका रीजन ये है कि ये इन्होंने, करेक्ट आंसर इज हियर इज लिंग्विस्टिक नॉट्स। हु इज साइक्लोन ऑफ पाकिस्तान, सुनीता, ममता और सरोजनी ने दो, द राइट आंसर इज सरोजनी ने दो। कैसोनो वॉज चाइनीज रेस्टोरेंट बाय एडवर्ड एंथनी एंड हैवियट, द करेक्ट आंसर इज हियर एंथनी पाउल। नोवल 1916 में जो लिखा गया था, ये एक नोवल का नाम है जो 1960 में लिखा गया था, जो लिखने वाले थे उनका नेम था एंथनी पावल। 83, जॉर्ज एलियट रियल नेम मैरियन एवंस एंथनी हॉपकिंस, राइट आंसर इज मैरी एन एवंस। हु कॉल्ड द रीजन द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, शेक्सपियर, कीट्स एंड डॉक्टर जॉनसन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है सैमुअल जॉनसन। 85, रेस्टोरेशन पीरियड सॉ द राइज ऑफ रोमांटिसिज्म, डोमेस्टिक ट्रेजेडी, सी realism, d heroic tragedy, the right answer is here heroic tragedy. The DNA test discovered by Sorman, Alec Jeffries, Andrew Allen, Alec Jeffries, hue and cry against Hardy is just the obscure, due to obscenity, due to illness, fear of harm, due to obscenity is the correct answer. 88, the writer of Uncle Tom Cabin, iska ji Harriet Beecher Stowe novel 1852. 89, the term epistemology means similar words, history of words, Greek myth, the right answer is history of words after reformation, which group preached Catholicism, Jesuits
प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियंस द प्रोटेस्टेंट्स इज द राइट आंसर अयरबंदी सवे थ्रू या पिक अबाउट दिस चॉइस सो 92 इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलर्स वर्ड्स वर्थ डिस्क्राइब ट्रेजिक फ्लो पोएटिक डिक्शन ह्यूमरस एलिमेंट्स राइट आंसर इज पोएटिक डिक्शन द वे ऑफ फाइंडिंग क्विक क्वेश्चंस इन एमएस वर्ड एंटर इन सर्च शिफ्ट आंसर्ड द साउंड कम्स फ्रॉम नोज लाइक एनजी कॉल्ड फ्रिकेटिव नेजल एंड पॉसेस नेजल National Assembly took oath in 2018. The right choice is 15th oath. Lips involved in speaking in which technique? Fricatives, bilabial, and nasals. Nasal. Lord Byron belongs to which movement? Tragic or Reformation or Romanticism? The correct answer is Romanticism. 98. The reason of Keats' death. Keats जो है किस reason की वजह से उनकी death हुई थी? Malaria की वजह से हुई थी या उनका गला swell हुआ हुआ था या उनको tuberculosis था यानी कि TB. तो जी guys, Keats की death TB disease की वजह से हुई थी. Shakespeare ने कितने play लिखे? 98. जो question है, how many plays are written by William Shakespeare? Answer A 67, B 37, 40. Shakespeare ने 37 जो है play लिखे थे. The post-colonial period related with dash. Post-colonial literature, B, cultural system, and C, ethnicity. The correct answer is here is post-colonial literature. तो जी गाइज ये बाकी के तो जी गाइज आपके सामने बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं आपको प्रेजेंट कर दिए गए हैं. टोटल जो है 100 क्वेश्चन से 90 मिनट सॉल्व करने के लिए हैं. आंसर को सॉल्व करने के लिए राउंड शेप में आपको एक दायरा दिया जाता है, उसको आपको फिलअप करना पड़ता है, उसको सफाई से फिल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो वो आपका नेगेटिव आंसर होता है. तो दैट इज व्हाई आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. आप अपने जो है करेक्ट आंसर्स मैच कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.